गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बात हम सभी जानते हैं कि पोकेमोन यूनिवर्स को आर्केस एंड क्रिएशन ट्रियो ने क्रिएट किया है। अब आर्केस की बात अलग है, एज वी नो दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन एंड पॉसिबली अ मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर। लेकिन क्रिएशन ट्रियो भी कुछ कम नहीं है। क्रिएशन ट्रियो का हर एक मेंबर, चाहे हम बात करें रूलर ऑफ टाइम डियाल्गा की, चाहे हम बात करें रूलर ऑफ स्पेस पालकिया की, या फिर चाहे हम बात करें रूलर ऑफ डिस्टोर्शन वर्ल्ड गेरेटिना की, सभी के सभी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स हैं एंड इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हालांकि अगर ये मर जाए तो आर्केस इन्हें रिक्रिएट कर सकता है, बट स्टिल ये पोकेमोन वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीन यूनिवर्सल पोकेमोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोकेमोन वर्ल्ड में, ये आए कहाँ से, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी स्टोरी क्या है? आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिएशन ट्रियो की कहानी क्या है। एंड यस, वीडियो के एंड में ये जरूर बताना कि क्रिएशन ट्रियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है। सो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिएशन ट्रियो आए कहाँ से। अब आर्केस जो कि फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमोन है, जब वो आया था देन उसने तीन पोकेमोन को क्रिएट किया यूनिवर्स को बनाने के लिए, डियाल्गा, पालकिया एंड गेरेटिना, जिन्हें कलेक्टिवली क्रिएशन ट्रियो भी कहा जाता है। आर्केस ने डियाल्गा को बनाकर उसे टाइम की पावर दे दी। डियाल्गा अब टाइम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता था एंड ऐसा माना जाता है दैट समय का बहाव तब तक रहेगा जब तक डियाल्गा का दिल धड़कता रहेगा। और समय का बहाव चालू भी तब से हुआ जब डियाल्गा का जन्म हुआ था, मतलब जब आर्केस ने डियाल्गा को बनाया था। पालकिया को क्रिएट करके आर्केस ने उसे स्पेस की पावर दे दी। अब पालकिया अपने हिसाब से स्पेस को कंट्रोल कर सकता था। ऐसा माना जाता है दैट पालकिया के अंदर पूरा स्पेस समाया हुआ है एंड उसकी हर एक सांस के साथ स्पेस और भी स्टेबल हो जाता है। एंड गेरेटिना को क्रिएट करके आर्केस ने उसे एंटी मैटर की पावर दे दी। गेरेटिना अब अपने हिसाब से एंटी मैटर को कंट्रोल कर सकता था एंड गेरेटिना को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है। इन तीनों को ये सारी पावर्स देकर आर्केस ने इन्हें यूनिवर्स को क्रिएट करने का काम सौंप दिया। अब डियाल्गा, पालकिया एंड गेरेटिना यूनिवर्स को क्रिएट करने चले गए एंड आर्केस इतनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण एक गहरी नींद में चला गया। लेकिन जैसा आर्केस ने सोचा था क्या वैसा हुआ? वेल, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में तो डियाल्गा, पालकिया एंड गेरेटिना साथ मिलकर अपनी पावर से यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे, बट लेटर ऑन गेरेटिना डियाल्गा एंड पालकिया को धोखा दे देता है एंड वो खुद की पावर इंक्रीज करने लगता है ताकि वो गॉड ऑफ पोकेमोन आर्केस को हरा कर खुद पोकेमोन वर्ल्ड पे राज कर सके एंड पोकेमोन वर्ल्ड पे उसकी हुकूमत हो। लेकिन आर्केस को ये बात पता चल जाती है और वो सीधा गेरेटिना से लड़ने के लिए चला जाता है। गेरेटिना भी पीछे नहीं हटा और वो आर्केस से भिड़ गया। मैं झुकेगा नहीं। यहाँ से शुरू हुई पोकेमोन वर्ल्ड की सबसे पहली लड़ाई, जो कि लड़ाई कम और एक जंग ज्यादा थी। दिस वॉज द वॉर बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ईवल पोकेमोन टू एवर एग्जिस्ट इन द एंटायर पोकेमोन यूनिवर्स, गेरेटिना, एंड द गॉड ऑफ पोकेमोन आर्केस। दोनों के बीच ये जंग काफी सालों तक चली जिससे पूरा यूनिवर्स दहल उठा था। इन द एंड आर्केस ने गेरेटिना को हरा कर उसे डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया। अब हिसोई के एंशियंट टाइम्स में सेलेस्टिका वर्शिप्ड आर्केस एंड क्रिएशन ट्रियो। वहाँ के लोगों ने आर्केस एंड क्रिएशन ट्रियो के सम्मान में उनकी मूर्तियाँ बनाई थी। ये उनकी प्राइमरी फॉर्म्स की मूर्तियाँ थीं जिस फॉर्म में वो ह्यूमंस के सामने आए थे, ना कि उनके ओरिजिन फॉर्म्स की। वहाँ के लोग उन्हें पूछते थे, लेकिन जब से आर्केस एंड गेरेटिना की जंग हुई एंड जब से आर्केस ने गेरेटिना को डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया, वहाँ के लोगों ने गेरेटिना की मूर्ति तोड़ दी। उन लोगों ने उसके अस्तित्व को ढकने की पूरी कोशिश की, जैसे कि वो कोई बुरा सपना हो जिसे भूल जाना ही सही है। अब इसके काफी सालों बाद डायमंड एंड पर्ल के क्लैंस के लीडर ने जब डियाल्गा एंड पालकिया को देखा तो उन्हें लगा कि डियाल्गा एंड पालकिया ही असली गॉड हैं। सेलेस्टिका उसके बाद डियाल्गा एंड पालकिया को पूछने लगी इंस्टेड ऑफ आर्केस। जहां डायमंड क्लैन के लोग डियाल्गा को पूछते थे, वहीं पर्ल क्लैन के लोग पालकिया को। लेकिन आगे चल के दोनों ही क्लैंस ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम एक झूठे भगवान की पूजा करते हो, जिसके कारण इन दोनों में जंग होने लगी। और इन दोनों क्लैंस की ये जंग तब तक चली जब तक इन दोनों के पास सेना की कमी नहीं हो गई। अंत में ये दोनों बस नाम के लिए एक समझौते पर आ गए कि अब हम और नहीं लड़ेंगे। अब ये समझौता सिर्फ नाम का था। ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि दोनों में से किसी क्लैन के पास भी अगर सेना दोबारा से आ गई तो वो दोबारा से वॉर स्टार्ट कर देंगे। अब इसी बीच गेरेटिना को भी आर्केस से बदला लेना था क्योंकि आर्केस ने उसे इतने सालों तक डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद करके रखा था। तो आर्केस से बदला लेने के लिए गेरेटिना माउंट कॉर्नोट पर एक स्पेस टाइम रिफ्ट क्रिएट कर देता है, जिसके कारण डियाल्गा एंड पालकिया बेकाबू हो जाते हैं एंड दोनों ही एक वायलेंट रैम्पेज पर चले जाते हैं। एंड इसके कारण हिसोई रीजन में पूरी तरह से तबाही मच जाती है एंड कुछ इंसान फ्यूचर से पास्ट में आ जाते हैं। इन्हीं में से एक इंसान लेक गार्डियंस की मदद से ये सब कुछ सुलझाने की एंड डायमंड पर्ल क्लैंस की लड़ाई रोकने के लिए आता है एंड सरप्राइजिंगली वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वही इंसान भी गेरेटिना को भी कन्विंस कर लेता है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना करके उसे प्रोटेक्ट करे।
नाउ आई डोंट नो कि वो इंसान कौन था जिसने ना सिर्फ इतनी बड़ी तबाही रोक दी बल्कि द मोस्ट ईवल पोकेमोन गिरेटिना तक को कन्विंस कर लिया कि वो पोकेमोन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना करके उसे प्रोटेक्ट करे। अब इन सब के बाद डियाल्गा एंड पालकिया यूनिवर्स को पूरी तरह से क्रिएट करने के बाद अपने अपने डायमेंशन में चले गए और अंत में गिरेटिना भी सुधर गया। लेकिन ये स्टोरी है सिनो के मिथ्स के अकॉर्डिंग। अगर हम एनिमे के अकॉर्डिंग इन तीनों की स्टोरी देखें देन आर्किस के क्रिएट किए गए स्पेस टाइम डिस्टोर्शन के कारण जब डियाल्गा एंड पालकिया के डायमेंशंस आपस में टकराते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को टेरिटोरियल थ्रेट मानकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से गिरेटिना के रिवर्स वर्ल्ड पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, इसीलिए गिरेटिना भी डियाल्गा एंड पालकिया से बदला लेने के लिए उन दोनों पर अटैक कर देता है। गिरेटिना एंड द स्काई वॉरियर मूवी में हमने ये चीज़ साफ साफ देखी है कि किस तरह गिरेटिना डियाल्गा को रिवर्स वर्ल्ड में खींच लेता है और उसे वहीं पर मारने लगता है। ऑल्दो डियाल्गा जैसे तैसे करके गिरेटिना को टाइम लूप में फंसाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन डियाल्गा की इस हरकत से गिरेटिना और भी ज़्यादा भड़क जाता है। अब सिनो मिथ्स के अकॉर्डिंग जिस तरह सिर्फ एक इंसान ने फ्यूचर से पास्ट में आकर डायमंड एंड पर्ल क्लैंस की इतनी बड़ी लड़ाई रोक दी एंड गिरेटिना को भी कन्विंस कर लिया कि वो पोकेमोन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे, उसे डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक उसी तरह एनिमे के अंदर भी हमारे ऐश भैया पोकेमोन एनिमे का मेन कैरेक्टर होने के नाते द राइज ऑफ डार्करई में डियाल्गा एंड पालकिया की लड़ाई रोक लेते हैं एंड गिरेटिना एंड द स्काई वॉरियर मूवी में गिरेटिना को भी सुधार देते हैं। अब डियाल्गा पालकिया एंड गिरेटिना एक टीम बन जाते हैं एंड यह आर्केस एंड द जूल ऑफ लाइफ मूवी में जब आर्केस सब पे अटैक कर रहा होता है डियाल्गा पालकिया एंड गिरेटिना वहां पर भी अपीयर होते हैं और एक टीम की तरह लड़ते हैं। एंड अगर डियाल्गा पालकिया एंड गिरेटिना तीनों एक साथ मिल के लड़ने लगे तो पोकेमोन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पोकेमोन नहीं जो उन्हें हरा सके, लेकिन उस मूवी में इनकी लड़ाई अपने बाप से ही हो गई। सो द आउटकम ऑफ दैट फाइट वॉज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन डियाल्गा काफी शातिर निकला और उसने बहुत ही अच्छी चाल चल दी ऐश को पास्ट में भेजकर। अब हमारे ऐश भैया वहां पर जाकर भी अपनी हीरोगिरी से सबको पछाड़ देते हैं और गॉड ऑफ पोकेमोन आर्केस को ही बचा लेते हैं। मतलब सिनो मिथ्स के अकॉर्डिंग तो उस इंसान ने सिर्फ डायमंड एंड पर्ल क्लैन की लड़ाई रोकी एंड गिरेटिना को सुधार दिया, लेकिन एनिमे के अंदर हमारे ऐश भैया ने तो गॉड ऑफ पोकेमोन आर्केस तक को मरने से बचा लिया एंड लास्ट में वो उसे सुधार भी देता है। अब इसके बाद डायमंड एंड पर्ल के सीरीज में डियाल्गा एंड पालकिया दोबारा अपीयर होते हैं साइरस के जरिए, जहां पर साइरस इनसे एक यूनिवर्स क्रिएट करने को कहता है। अब वहां पर भी हमारे ऐश भैया और उनके दोस्त मिलकर डियाल्गा एंड पालकिया को शांत कर देते हैं लेक गार्डियंस की मदद से। अब इसके बाद डियाल्गा पालकिया एंड गिरेटिना तीनों एक और बार अपीयर होते हैं हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में, जहां पर हुपा अनबाउंड का एक डार्क एंटिटी इन तीनों को हिप्नोटाइज करके अपने लिए फाइट करवाता है। अब उस मूवी में भले यहां पर बरास ने मेजर रोल निभाया हो एंड क्रिएशन ट्रियो को उस डार्क एंटिटी के कंट्रोल से आजाद किया हो, लेकिन अंत में हमारे ऐश भैया ने ही मेजर रोल निभाया था। प्रिजन बॉटल को उन्होंने ही पकड़ा था ताकि वो बॉटल टूट ना जाए एंड बरास का हीरो वाला मोमेंट स्पॉइल ना हो जाए। ये थी पोकेमोन एनिमे के अंदर इनकी स्टोरी एंड अगर हम पोकेमोन जनरेशंस के अकॉर्डिंग इनकी स्टोरी देखें देन वहां पर साइरस ने डियाल्गा एंड पालकिया को समन किया और उन्हें रेड चेन के जरिए कंट्रोल कर लिया था। वो एक नया यूनिवर्स बनाने वाला था, लेकिन तभी गिरेटिना आता है एंड डियाल्गा एंड पालकिया को रेड चेन से मुक्त कर देता है। उसके बाद गिरेटिना साइरस को अपने डिस्टोर्शन वर्ल्ड में ले जाता है एंड उसके बाद साइरस गिरेटिना के साथ ही वहां पर रुक जाता है। सो ये थी स्टोरी क्रिएशन ट्रियो की सिनो के मिथ्स के अकॉर्डिंग, एनिमे के अकॉर्डिंग एंड पोकेमोन जनरेशंस के अकॉर्डिंग। अब आपको इन तीनों में सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी ये आप कमेंट्स में बताइए। सो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही पोकेमोन की वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ, कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट पोकेमोन कौन है क्रिएशन ट्रियो में से। मेरा पालकिया है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।